Hello friends and welcome to you at my channel Literature Series. Every single day I'm gonna make something great. आज हम बात करेंगे शरण कुमार लिम्बेल के लिखे हुए एक वर्क अकार माशी के बारे में। दोस्तों, शरण कुमार लिम्बेल इंडियन राइटर हैं जो कि मोस्टली मराठी भाषा में लिखते हैं। वो एक दलित राइटर हैं। वो अब तक 44 बुक्स लिख चुके हैं और अकर माशी उनकी सबसे फेमस बुक है, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उनकी आत्मकथा है। ये बुक काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी है और इंग्लिश में ये बुक द आउटकास्ट टाइटल के नाम से पब्लिश हुई थी। शरण कुमार लिम्बेल एक कवि, क्रिटिक और दलित एक्टिविस्ट हैं। उनके बहुत सारे वर्क्स दलित लिटरेचर पर आधारित हैं, जैसे कि दलित पैंथर, हिंदू, बहुजन, छुआछूत, संस्कृत संघर्ष आदि। शरण कुमार लिम्बेल बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उनको पढ़ने के बाद ही उन्होंने इन टॉपिक्स पे लिखा। दोस्तों, अकर माशी उनका सबसे फेमस वर्क है, जो कि 1984 में पब्लिश हुआ था और ये मराठी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था और शरण कुमार लिम्बेल उस वक्त सिर्फ 25 ईयर्स के थे जब उन्होंने ये बुक लिखी थी। अकर माशी लिम्बेल की रियल लाइफ पे बेस्ड है और इसमें उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया है और दलितों के साथ ये समाज कैसा व्यवहार करता है, ये भी हमें इस बुक में देखने को मिलता है। दोस्तों, शरण कुमार का जन्म एक दलित परिवार में हनूर नाम के एक गांव में होता है। उनका जन्म एक शराब के रूप में समझा जाता है। उसका कारण ये होता है कि उनका जन्म एक अवैध संबंध के कारण होता है। उनकी माँ एक दलित महिला थी और उनके पिता एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। यही वजह है कि उनका जन्म एक शराब के रूप में समझा जाता है। उन्हें उनका ही समाज स्वीकार नहीं करता, यहाँ तक कि उसका पिता भी उसे मानने से इनकार कर देता है। शरण की माँ का नाम मासामाई है। मासामाई की शादी इथाल कांबली नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो कि हनमंता लिम्बेल नाम के एक रिच मैन के यहाँ पे काम करता है। लिम्बेल बेसल गांव का मुखिया है, जो कि उच्च जाति का है। उसकी मासामाई पर बुरी नज़र होती है। लिम्बेल मासामाई के पति कामली को मजबूर करता है कि वो उसे तलाक दे दे और मजबूरी में आकर कामली अपनी पत्नी मासामाई को तलाक दे देता है। उसके बाद लिम्बेल मासामाई को अपने साथ ले जाता है और उसे अपने पास रखने लगता है बिना शादी किए। उन दोनों का एक बेटा होता है, जो कि हमारे राइटर हैं, यानी कि शरण कुमार हैं। राइटर के जन्म के बाद लिम्बेल उन दोनों को छोड़ देता है और मासामाई की जगह कोई और लेडी को रखने लगता है। मासामाई अपनी बूढ़ी माँ शांता माई के पास रहने लग जाती है, जो कि एक स्वीपर हैं और लोगों के घरों में काम करती हैं। शांता माई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है। वो एक छोटे से कच्चे मकान में रहती हैं और दिन भर काम करने के बाद फिर उन्हें खाना नसीब होता है। मासामाई को ये लोअर दर्जे का काम पसंद नहीं आता और इसीलिए वो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं और यशवंत राव काका नाम के एक रिच आदमी के पास जाकर रहने लगती हैं। यशवंत राव भी एक उच्च जाति का व्यक्ति है, जो कि बिल्कुल लिम्बेल की तरह ही होता है। मासामाई काका के 9 बच्चों को जन्म देती है और उससे 2 एकड़ ज़मीन अपने नाम करवा लेती है। मासामाई शराब और ड्रग्स बेचने का कारोबार करने लग जाती है। वो ये फैसला करती है कि वो अब पैसे के लिए किसी आदमी के पास नहीं जाएगी और कुछ भी करके खुद पैसा कमाएगी। वो शरण कुमार की माँ है और उनका व्यवहार शरण के प्रति अच्छा नहीं होता। शरण ऐसा समझते हैं कि जैसे कि वो उसकी स्टेप मदर हो। मासामाई को शरण
उनके साथ हुए एक बहुत ही दर्दनाक हादसे और एक दर्दनाक व्यवहार की याद दिलाता है, इसीलिए वो शरण को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती। काफ़ी सालों के बाद शरण को उनकी मजबूरी रियलाइज़ होती है कि वो क्यों ऐसा करती हैं। शरण की नानी शांता माई उसका पालन पोषण करती है। उसके लिए वह लोगों के घरों में जाकर काम करती है और गलियों में झाड़ू लगाती है। शांता माई को भी तरह मासा माई की तरह उसके पति ने छोड़ दिया था क्योंकि वह उसे लड़का नहीं दे पाई थी। फिर शांता माई एक महमूद दशागीर जमादार नाम के एक मुस्लिम के घर रहने लगती हैं। शरण उनसे दादा कह के बुलाता है। शांता माई चाहती है कि शरण अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, इसलिए वो उसे स्कूल में दाखिल करवाना चाहती है, लेकिन उसे किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। बहुत सारा संघर्ष करने के बाद एक स्कूल में उसको दाखिला मिलता है और वहाँ पे शरण को बहुत सारा अन्याय झेलना पड़ता है। दूसरी जातियों के स्टूडेंट्स उससे नफरत करते हैं और उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। शरण खुद को बहुत अकेला पाता है और उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है। वो खुद को एक कास्टलेस व्यक्ति समझता है क्योंकि ना तो उसे एज अ लिम्बेल स्वीकार किया जाता है और ना ही उसे माहर जात का स्वीकार किया जाता है। शरण द्वारा काफ़ी समय तक संघर्ष करने के बाद गांव के सरपंच उसका नाम शरण मासामी लिम्बेल रख देते हैं। शरण बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद अपनी स्कूलिंग पूरी करता है और उसके बाद वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती तो उसकी नानी और दादा मिलकर उसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और उसका कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद शरण दलित मूवमेंट का हिस्सा बन जाता है। दलित मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें गरीब बेसहारा दलित लोगों के हितों के लिए काम किया जाता है, उन्हें उनके हक़ों के प्रति जागरूक किया जाता है। शरण का आउटकास्ट होना उसके जीवन में हर कदम पर उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। उसकी शादी में भी उसका आउटकास्ट होना एक प्रॉब्लम बन जाता है। शरण कुसुम नाम की एक लड़की से शादी करता है। वह कुसुम के फादर को बहुत कठिनाइयों से शादी के लिए राजी करता है। वह हिंदू रीति रिवाजों से शादी करने के लिए मना कर देता है, जिससे उसके रिश्तेदार उससे गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये होता है क्योंकि शरण ने अपने जीवन में अपने लोगों को मंदिरों में अपमानित होते हुए देखा था, उनकी छोटी कास्ट की वजह से, और अब वो नहीं चाहता कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से हो, तो वो बुद्धिस्ट रीति रिवाजों से अपनी शादी कुसुम के साथ करवाता है। शादी होने के बाद भी कुसुम के घर वाले उसको शरण से मिलने नहीं देते और ना ही कुसुम को उसके साथ भेजते हैं, तो शरण वहाँ से कुसुम को लेकर भाग जाता है और यहाँ से बहुत दूर चला जाता है और एक टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब करने लगता है। जब भी वो शांता माई और दादा के बारे में सोचता है और उनको गरीबी भरी ज़िंदगी जीते हुए देखता है तो वो बहुत दुखी होता है। वो दलित मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसमें अपना योगदान भी देता है। वो खुद को हिंदू नहीं समझता और अपने आप को हिंदू धर्म से अलग कर लेता है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण यही होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने दलित भाइयों को हिंदू लोगों से अपमानित हुए देखा है, मंदिरों में अपमानित हुए देखा था और ऊंची जाति के लोगों द्वारा उनको कष्ट सहते हुए देखा था, इसलिए वो अब इस धर्म को नहीं मानता। यहाँ तक कि जब दादा और शांता माई की मृत्यु होती है तो उनके मृत्यु के समय वो हिंदू रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता। अंत में वो लतूर नाम के गांव चला जाता है और वहाँ अपने परिवार के साथ रहने लगता है।